अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच पे बात करते हैं कि जी यूएसए ने जो क्रिकेट खेली उसके लिए खुशी हुई देख के। हालांकि हम यही समझ रहे थे कि बहुत बड़ा एपिटाइज़र होगा, लेकिन जिस वे में साउथ अफ्रीका की अच्छी बॉलिंग के सामने यूएसए ने परफॉर्म करा, क्रेडिट देना चाहिए। आपने देखा होगा जी डिकॉक की फेटा, क्या खूब खेला वो, 74 करे। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि आज 100 कर देगा। दोनों मैचों में लगा कि 100 हो जाएंगे, लेकिन ना हो सके। अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज नज़र आ रही है आपको। आप जिन्होंने अमेरिका में मैचेस देखे, न्यूयॉर्क में स्पेशली, बॉलर फ्रेंडली, और अब बिल्कुल चेंज हो गया आईपीएल वाली तर्ज की क्रिकेट। 194 करे जिसमें 74 डिकॉक माकरम के 46 और क्लासन एज यूजुअल 36 नॉट आउट। जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना वो ये थी कि यूएसए की फील्डिंग अच्छी थी, उन्होंने जान मारी, एक पैशन नज़र आया कि जान मार रहे हैं। और जब 194 बने तो लोग सोच रहे थे शायद 130-140 कर जाएंगे, लेकिन जी क्या फेटा लगाया है, स्पेशली तबरेज शमसी को जो 4 ओवर में 50 रन लिए हैं, और 17वां ओवर जो लूटा है ना, हाँ 17वां और 18वां ओवर जो लूटा है, तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि अब 28 रन भी बन जाएंगे 2 ओवर में। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू रबादा, बहुत टॉप क्लास बॉलिंग करी है। अब बात वही आ जाती है कि ओरिजिनली मैच में इम्पैक्ट किसने डाला, आया डिकॉक ने डाला, रबादा ने डाला, या गॉस ने डाला। गॉस की जो बैटिंग थी ना, आह क्या, जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कट और पुल मारे थे ना, कल उसने बता दिया जी टॉप क्लास बैटिंग। हालांकि एरन जोन्स 0 पे आउट हो गया था, 5 बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खूब खेले जी। सच्ची बात यह है कि अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उनसे ज़्यादा अच्छा यूएसए ने खेला। मैच जीते 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका ने, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, रबादा ने 3 आउट करे जी, महाराज ने 1 आउट करा, नॉर्थ ने 1 आउट करा, वहाँ से सौरभ ने 2 आउट करे। सौरभ बहुत अच्छा परफॉर्म करा, मुझे लगता है आइंदा आने वाले फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में इसको लिया जाएगा, लेना भी चाहिए। और सरदार जी हमारे हरमीत सिंह ने 2 आउट करे, 24 रन देखे, बैटिंग भी बहुत खूब करी उन्होंने, जो 22 बॉलों में 38 रन करे थे ना, टॉप क्लास। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज साउथ अफ्रीका चोकर बन जाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और जीत के निकले। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, 180 हम सब समझ रहे थे कि शायद इंडिया, अपना इंडिया बोल रहा हूँ, वेस्ट इंडियन डिफेंड कर लेंगे, लेकिन जिस तरह का पाटला पिच था, तो अब लोगों को नज़र आ गया होगा कि अब ये वो क्रिकेट नहीं हो रही है, इसमें भी आपको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। स्पेशली जो 6 ओवर का दायरा है ना, उसमें आपको बहुत, जो उसमें अच्छा खेल गया वो, जिसने बेस बना दी वो ले जाएगा। अब इसमें एक्सपीरियंस काउंट होगा, द वे ऑफ प्लेइंग जो होता है वो चेक करना पड़ेगा। 184 20 ओवर में 4 ही आउट हुए थे, और चार्ल्स ने, जॉनसन चार्ल्स ने करे 38, ज़्यादा बॉलें ले ली 34, अमूमन वो 38 करता है 20 बॉलों में। इसी तरह रोमन पावर ने करी 36 17 बॉलों में, 5 छक्के लगाए उसने, और पुरान 36 पे आउट हो गया। लेकिन आप ये देखें, उसने भी 32 बॉलें ली, क्योंकि इनका जो पेस अटैक है ना इंग्लैंड का, वो अच्छा है। और जिस वे के मुइन अली ने बॉलें डाली वो भी अच्छी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज़्यादा होते ना तो मुइन अली ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 2 ओवर में 1 आउट करा, लिविंगस्टोन ने 1 आउट करा, और आदिल रशीद ने 1 आउट करा। टॉप बॉलर ने जो उनके मेन ट्रॉपली ने अच्छी बॉल करी थी, लेकिन थोड़ा सा वीकलिंग नज़र आया ट्रॉपली का मुझे,
बाकी तो दोनों ही टॉप क्लास बॉलर हैं। 180 के बाद ऐसा लग रहा था शायद वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाए, लेकिन उनके दोनों स्पिनर काम नहीं आए, दोनों की फेटा लगा, मतलब पाटला पिच पे फेटा ऐसा लगाया कि देख रहे थे तो आईपीएल ही याद आ रहा था मुझे कि भाई सनराइजर हैदराबाद खेल रहा है कलकत्ता के अगेंस्ट, ऐसा मैच हुआ। 87 के अरे 47 बॉलों में 100 नमक भाई ने हमारे नॉट आउट रहे और मैन ऑफ द मैच भी हुए। हाँ, डिकॉक जो मैन ऑफ द मैच हुआ है, ये आपसे सवाल है कि जीतने वाली टीम को ही मैन ऑफ द मैच देता, क्या क्या ख्याल है? गॉस को नहीं देना चाहिए था? नॉट आउट वो भी था और अच्छी बॉलिंग के सामने उसने बनाए थे। अच्छा, वही याद आ गया, बेरेस्टो 48 नॉट आउट और जॉस बटलर जल्दी आउट हो गया था, 25 रन करे थे लेकिन 22 बॉल हो गए इनकी तरफ से। जी आप देख लें, चेस, एंड्रयू रसल और जोसेफ अजारी, जोसेफ नहीं बॉलिंग करी लेकिन इतने इंप्रेसिव नहीं थे, एक एक ही आउट करा, क्योंकि 8 विकेटों से बहुत इजी विकेट लिए 17.5 ओवर में। टाइम देख रहा हूँ, जाने का टाइम तो नहीं हो गया। क्रिकेट अच्छी हुई, बैट्समैनों ने डोमिनेट करा दोनों मैचों में, अबादा ने बहुत अच्छे बॉल करे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो मैच है आज, अफगानिस्तान वर्सेस नंबर 1 टीम T20 की इंडिया, दोनों एशियन टीम है, क्या स्पिन डोमिनेशन होगी ये देखेंगे, पिच कैसा होता है। और आज ये देखना है कि इंडिया आया है अमेरिका से खेल के, वहाँ की पिचेस सबको पता है, इंडिया किस वे में बैटिंग करेगा, उनके बैटर्स किस तरह रन्स करेंगे। नो डाउट अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत टॉप क्लास हैं, लेकिन जहाँ पे मैच है वहाँ बॉल स्पिन होने के चांसेस कम है। क्या इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि दूसरी बारी के लिए आपने देखा कि अफगानिस्तान इतने अच्छे नहीं है, और अफगानिस्तान अगर टॉस जीतता है तो लाजमी बात है पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि वो बाद में बैटिंग करते हुए थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है। जो दो टीम है ना, एक इंडिया तो आप वो तो दूसरी रेंज की टीम है, अफगानिस्तान को देखना होगा कि आया आज वो किस फॉर्मेशन से जाते हैं, कितने स्पिनर खिलाते हैं, फारूकी को देखेंगे, फारूकी किस तरह बैटिंग करता है। बाकी आपको पता ही है कि उनके जो बैटर हैं जरदान, गुलबाज, इन्हें देखेंगे कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत बहुत अच्छी फॉर्म में, जो जिस वे में उसने अमेरिका में बैटिंग करी ना डिफिकल्ट पिचेस पे, तो उसके लिए ये यहाँ पे बैटिंग करना आसान है। क्या सेम फॉर्मेशन से जाएगा इंडिया विराट और रोहित के साथ, या फिर जसवाल को इन करेगा, ये देखेंगे। बड़े सवाल हैं कि बॉलिंग किस तरह करते हैं बुमराह के अलावा फास्ट बॉलर्स, क्योंकि जिस तरह के दो मैचों में पाटला पिचेस देख लिए हैं तो मुश्किल लगती है बॉलर्स की मदद, लेकिन नंबर 1 टीम नंबर 1 ही टीम होती है। मैच अच्छा होना चाहिए, लेकिन तजर्बा जो है वो आपको पता है इंडिया के पास है, भारत के पास, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी, बैटिंगशिप में भी, बैट्समैनशिप में भी, और स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया आज किसको खिलाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो अक्षर और जडेजा खेल रहे थे, आया कुलदीप के साथ जाते हैं या चाल के साथ जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे रात में, अगर जल्दी मैच ख़त्म हो गया तो, टाइमिंग थोड़े से ऑकवर्ड है इसलिए देर हो जाती है। वीडियोस पसंद आए तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। एक दो न्यूज़ हैं जो आपके सवाल आते हैं अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, वो इंशाल्लाह एक दो दिन में करेंगे। इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।